एक और सवाल। मैं इस क्वेश्चन को समझाना पसंद करूंगा, करना नहीं। रुक जाइए, कर दूंगा, एक बार में कर लेना सारा। इस क्वेश्चन को मैं समझाना पसंद करूंगा, करूंगा नहीं, क्योंकि इजी है भैया। लाइबिलिटी और एसेट्स, कहता है कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी डिविडेंड और परफेंस शेयर हैज नॉट बिन डिक्लेयर 3 ईयर। 3 साल से भैया इसको इसको डिविडेंड दिया ही नहीं। मैंने कोई बात नहीं, नहीं दिया तो बैलेंस शीट में कौन सा लिख रखा है हमने। कहता है अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल्ड कर लो फुल। ओके, 8 रुपए में 2 रुपए अनकॉल्ड कैपिटल है तो 2 रुपए मंगवा लो, और मंगवाने के बाद उसके कैपिटल को कर दो कितना, 5। कर चुके हैं ये पार्ट भी अभी और बहुत बार। प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू गिव अप देयर द राइट 3 ईयर डिविडेंड। भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तू कहता है तेरा डिविडेंड गिव अप कर दिया, हमने तो पहले ही मान रखा था तेरे को नहीं देंगे, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं लिखा था। तो इसमें नो एंट्री, नो प्रॉफिट, नो लॉस, कुछ भी नहीं हो रहा, समझ गए बात। क्रेडिटर फोरगो 10% दियर क्लेम। क्रेडिटर बोलता है भैया मेरे को 10% मत दियो, तो ठीक है भैया 10% यानी 14,000 रुपये रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन बाय द बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ दियर ओवरड्राफ्ट। भैया बोलता है इन्वेस्टमेंट जितना भी है ना, बैंक बोलता है मैं उठा के ले जाऊंगा। बैंक बोलता है ये इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए 40,000 का, और बदले में मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट खत्म। तो नेट में देखा जाए, इसकी एंट्री मैं कर देता हूं, सर इन्वेस्टमेंट खत्म और बैंक ओवरड्राफ्ट भी खत्म। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 का खत्म, 2 इन्वेस्टमेंट 40 का खत्म, इसका मतलब 10 का फायदा। ये एंट्री हो, इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री देखिए, इन्वेंट्री देखिए, विष्णु 19,89,000 है बुक में, क्या दिखा रहे हैं पता नहीं, चलो छोड़ो, मुझे समझ में नहीं आया क्या 19,89,000 दिखा रहे हो। अब बुक के आंसर, कई बार बच्चे ना जैसे 10 ईयर बुक के आंसर करेंगे, तो मैं बहुत सारी एंट्री मर्ज भी तो कर रहा हूँ ना, तो आप वो भी देखो एंट्री मर्ज हो रहा है। आप सिंगल सिंगल से मैच कर रहे हो तो शायद ना हो, मैं बहुत सारी एंट्री मर्ज भी कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप चेक करिए तो वही रिजल्ट आएगा। कहता है प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए का कर दो अब। भैया पहले कितना था, 1 लाख का नुकसान, एंट्री पता है। स्टॉक रिड्यूस बाय 39, यानी स्टॉक को 39,000 से ही कम कर दो, तो यही नुकसान। एप्रिशिएट, नाम सुना सुना है, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ा दो, तो फायदा ही फायदा। एक्सपेंस रिडक्शन का ये कहता है पास जनरल एंट्री अफेक्ट द अबव स्कीम ऑफ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। तो ये सवाल सारे जितने देख रहे हो एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, और ये 10 नंबर 15 नंबर में फ्रिक्वेंटली पूछे गए, हो जाएगा ये। चलिए सर, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में दिया जाए। लेकिन अब मैं ऐसा करता हूं ना, जो समझ में आ जाएगा उसके एडजस्टमेंट का नोट नहीं बनाऊंगा, जो समझ में नहीं आएगा उसके लिए नोट बना दूं। कहता है अनकॉल्ड कैपिटल मंगवा लीजिए, तो भैया 10 में से 7.5 था, तो 2.5 रुपए मंगवा लीजिए आप, और मंगवाने के बाद चालाकी क्या करिए, इसके 5 रुपए का कर, पहले इनसे पैसे मंगवा लो, फिर कितने का कर दो, 5 रुपए। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग इज शो इन द बैलेंस शीट फुल मार्केट वैल्यू ऑफ 4.40। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, छोड़िए आप मार्केट वैल्यू, अभी 4.40 है उतने का दिखाइए, फायदा हो गया सर। गुडविल रिटर्न ऑफ, तो भाई साहब गुडविल को 0 कर दीजिए आप, नुकसान हो गया। क्रेडिटर में मजेदार पॉइंट, पहले क्रेडिटर लिख लेते हैं साफ साफ, भाई क्रेडिटर, ये हमारा क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर 96 का। क्या कहता है, द क्रेडिटर हैव एग्री टू फोरगो 25, फोरगो का मतलब छोड़ देगा वो 25%
ऑफ ड्यूज, तो भाई तेरे 25% तू छोड़ने को तैयार है, पहले निकाल लेते हैं 25 कितना है, तो 96,000, 25%, 24,000 रुपए फोरगो है, तो बचे कितने, 72,000 रुपए के बारे में कुछ नहीं पता अभी। कहता है 25% ड्यू दे, कहता है कि 25% फोरगो ऑफ देयर ड्यूज ऑन द कंडीशन, भाई साहब चला के ये बोलता है मैं 25% छोड़ूंगा लेकिन पहले मेरी शर्तें सुन तू। कहता है कंडीशन दैट 25% ऑफ नेट लाइबिलिटी आफ्टर रेमिशन इज पेड 4th with द बैलेंस पेड 4th with 1 year। सर ये क्या बात कहते हैं इसमें, नहीं पता चला। पहले यहां तक समझ में आया, एक बार इसको मिटा दिया जाए। यहां तक समझ में आ गया आपको है ना, आगे पढ़ते हैं। ऑन द कंडीशन, कंडीशन क्या रख दिया, 25% ऑफ नेट लाइबिलिटी, नेट लाइबिलिटी इज दिस, नेट मतलब जो मैं फोरगो कर रहा हूं उसके बाद का हिस्सा। तो ये तो हो गया फोरगो जो क्वेश्चन में कहता है, और ये हो गया नेट लाइबिलिटी, ये हो गया साहब नेट लाइबिलिटी, नहीं दिख रहा, अरे ये हो गया नेट लाइबिलिटी। नेट लाइबिलिटी में कहता है आफ्टर रीमिशन इज पेड 4th with, उसको पे करना है, बैलेंस इज पेड विद इन 1 year। कहता है इसमें से 25% दोबारा लाइन पढ़ रहा हूं, कंडीशन 25% ऑफ नेट लाइबिलिटी री आपका मिशन इज पेड, मतलब पेड कर देंगे 4th with, अभी साथ के साथ 25% पेमेंट करो। भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा, 18,000 रुपये बैंक से पेमेंट दो, और जो बाकी बच गया 54,000 उसको भी 1 साल बाद दे दोगे तब मैं ये बातें मानूंगा, और जो 1 साल बाद देंगे वो तो अगले साल का अकाउंटेंट करेगा, हम थोड़ी करेंगे। तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर ये शो हो जाएगा, बैंक से पेमेंट, जर्नल एंट्री सर बताना एक बार जरा, क्रेडिटर अकाउंट, पूरा क्रेडिटर मैं खत्म करके दिखा रहा हूं। 96 गए भैया, बैंक से भी पेमेंट किया, बैंक से 18, फायदा रिकंस्ट्रक्शन 24, और क्रेडिटर रह गया न्यू क्रेडिटर, मैं न्यू नाम दे रहा हूं क्रेडिटर 54, ये जर्नल एंट्री होगा। दोबारा समझ लो, कहता है भैया जो भी मेरा क्रेडिटर है 25% मैं छोड़ रहा हूं, जो बाकी बच गया 4th with का मतलब होता है साथ के साथ, 4th with का मतलब होता है साथ के साथ, बाकी जो बच गया उसका 25% पेड करो साथ के साथ, साथ के साथ कब, जब मैंने छोड़ा है तभी, और बाकी उसके बाद 25% पे करने के बाद जो बचा उसे अगले साल दे देना। अगर ये शर्तें मानते हो तो मैं ये करने को तैयार हूं, तो आप ये समझ लेना कि हम मान रहे हैं, तो उसके हिसाब से कर दिया। बताइए समझ में आया, अगले एडजस्टमेंट को देखें सर। कहता है इन्वेस्टमेंट इज टू बी टेकन ओवर बाय बैंक फुल सेटलमेंट ओवरड्राफ्ट, तो भैया ओवरड्राफ्ट कितना था, ओवरड्राफ्ट इतने का था और इन्वेस्टमेंट कितने का था ये, तो जो भी नुकसान प्रॉफिट की एंट्री बुक कर दोगे जैसे पिछले वाले पॉइंट में किया, ये हो जाएगा। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग, कहता है प्रेफरेंस शेयर, यहां कहता है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर डिक्लेयर 2 year, नॉट डिक्लेयर, दिया ही नहीं भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तेरे को डिविडेंड नहीं दिया है। अब आगे कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्री टू सेटिस्फेक्शन देयर राइट, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू सेटिस्फेक्शन देयर राइट फॉर 2 year डिविडेंड,
बोलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर कि मेरा जो अधिकार था ना 2 साल का डिविडेंड लेने का, मैं अब क्या करूंगा, मैं 24 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 5 रुपये ईच फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर के बदले ले लूंगा। ये क्या बोल दिया इसने? फिर से मिटाए, मैंने कहा ना इसके अंदर लैंग्वेज बस थोड़ा सा आपको इधर उधर ले जाता है। देखिए पहले लिख लें प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था हमारा कितने था भाई साहब? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास पहले से था 4 लाख। समझिएगा बात, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो ये 4 लाख प्रेफरेंस शेयर है, ये होल्डर हैव एग्री टू सेटिस्फाई देयर राइट। बोलता है जो मेरा राइट है मैं उससे सहमत हूँ फॉर 2 ईयर डिविडेंड। मैं इस 4 लाख रुपए के लिए बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डिविडेंड के लिए और उसी के बात के लिए मैं सहमत हो रहा हूँ तुमसे। कहता है मैं 24 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ले लूंगा 5 रुपए वाला ईच फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर। तो भैया मेरा प्रेफरेंस शेयर तो कितने का है? 100 का। और कहता है मैं हर एक शेयर के बदले मैं 24 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर लूंगा। मतलब एक शेयर इज इक्वल टू 24 इक्विटी शेयर। तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? कहाँ गया? 100 रुपए का है तो 4,000 है ना? सौ रुपए का है तो 4,000। एक बार और पढ़ें, समझ में आ गया तो नहीं तो फिर एक बार और पढ़ लिया जाए। एक बार और पढ़ना, क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस नहीं समझ में आएगा फायदा क्या। चलिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू सेटिस्फाई, मतलब मान गया भाई वो दे आर राइट फॉर 2 ईयर डिविडेंड, 2 साल के डिविडेंड के लिए राइट के लिए वो मान गया। अब यहां से कहानी अलग, एंड के बाद कहानी अलग। कहता है उसने बोला भैया एक काम करो, फिर मुझे 24 शेयर दे दो इक्विटी शेयर और 5 रुपए का एक शेयर है, इसका मतलब मैं 24 और गुना में 5 करूं तो कितने होते हैं? 120। जो मेरा फुल्ली पेड शेयर है ना उसके बदले एक शेयर। कहता है ईच फॉर ईच फुल्ली पेड अप शेयर, यानी मेरे पास अगर 4,000 शेयर है ना, डिबेंचर शेयर है, उसके बदले तुम कितने दे दो? समझ रहे हो बात? अगर मेरे पास 4,000 शेयर है उसके बदले एक के बदले कितना मांग रहा है? बोल रहा है कि भैया मैं अपने एक प्रेफरेंस शेयर को खत्म करूंगा, इसी 4 लाख की बात कर रहा है, एक प्रेफरेंस शेयर को खत्म करूंगा, तुमसे कितने लूंगा? 24 इक्विटी शेयर ले लूंगा। तो इसके पास कितने प्रेफरेंस शेयर है भाई साहब? और 4,000 को ये खत्म ही कर देगा और बदले में कितने ले लेगा? तो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ यानी 96,000 इक्विटी शेयर ले लेगा और इंटू में 5 के हिसाब से, तो दैट इज 4,80,000। यहां कंपनी को हो गया नुकसान। कितने का नुकसान? 80,000, क्योंकि 4 लाख रुपए का था 80। बोलोगे सर डिविडेंड का क्या करोगे? भाई डिविडेंड के लिए तो सेटिस्फाई था, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, और डिविडेंड वैसे भी लाइबिलिटी नहीं कर रखा तो डिविडेंड का कोई मैटर ही नहीं है बीच में। मैटर क्या आ गया? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का। तो हमने क्या कहा कि भाई साहब प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है मेरा टोटल पैसा बताओ। मैंने बोला तुम्हारे 4 लाख हैं। बोला डिविडेंड बताओ। बोला डिविडेंड पहले नहीं दिया था, वो नहीं देंगे। बोला ठीक है चलो डिविडेंड का मसला हटा दो आप। अब मैं जो मेरे 4 लाख रुपए ना उसके बदले सुनो क्या करो, तुम मेरे एक शेयर ले लो और तुम अपने 24 दे दो इक्विटी शेयर।
तो मेरे पास 4,000 शेयर है, तुम अपने 24 दो, तो टोटल कैलकुलेट किया मैंने, 4,000 शेयर है, 24 के हिसाब से कितने मिल जाएंगे, 96,000, और 5 के हिसाब से एक शेयर है उसका वैल्यूएशन दो मुझे, तो देखा जाए तो मुझे मिल गया 4,80,000, और पहले मेरे पास क्या था, 4 लाख, अब कितना मिल रहा है, 4,80,000, मतलब 80,000 क्या हो गया, नुकसान, कंपनी को नुकसान, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फायदा है लेकिन कंपनी को नुकसान। जर्नल एंट्री क्या करोगे सर, जर्नल एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, रिकंस्ट्रक्शन 80,000, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखना, पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को आपने रिड्यूस किया था, अब एक और जुड़ गया है, तो बैलेंस शीट बनाते टाइम पे आपका वैसे बोला नहीं है, हो जाएगा ये, बताइए कोई दिक्कत, कहानी ये था। देखो जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ही एंट्री आया था, थोड़ा सा पॉइंट आ गया इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है। आइए, कौन सा था, चले अगले सवाल पे चला जाए, जरा लाइव वालों के बच्चे का हालचाल पूछ ले। 96,000, 4,80, भाई साहब आपको समझ में आ रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन के दो पॉइंट रिपीट कर दो, प्रीवियस क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हो, क्रेडिट वाला रिपीट कर दो। मैं देखो दोनों ही, मैं पूरा ही रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट इसको बड़ा कर देते हैं आपके लिए, ठीक है, मैं मिटा के दोबारा बता देता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी आप। अरे चलिए, सवाल में क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है सवाल में साहब, पहला पॉइंट कहता है, लिखा हुआ मिट गया, सवाल में पहला पॉइंट कहता है अनकॉल्ड कैपिटल था उसको मांग के 5 रुपए कर देना है, इसमें डाउट है किसी का बताइए फटाफट, लाइव वाले बच्चे कमेंट में यस और नो बोलते जाइएगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कहता है जो शेयर कैपिटल था अनकॉल्ड कैपिटल उसको कॉल्ड करिए और उसको रिड्यूस कर दीजिए 5 रुपए के, आने वाले जितने भी 4-5 सवाल में सब में यही पॉइंट आया हुआ था लगभग लगभग, किसी को कोई डाउट नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग को शो करिए बैलेंस शीट में एट मार्केट वैल्यू 4,40 का, पहले लैंड एंड बिल्डिंग हुआ करता था हमारा 3,20 का, बोल रहे 4,40 का शो करो, तो सर फायदा हो गया यहाँ पे, तो उस फायदे को रिकंस्ट्रक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है अभी बता दिया मैंने। तीसरी एंट्री कहता है कि क्रेडिटर जो था उसने 25% छोड़ने के लिए तैयार हो गया, तो भैया पहले क्रेडिटर ये है और वो अपना 25% छोड़ रहा है, तो 96,000 का 25% मैंने निकाला, कैसे निकाला सर, 96,000 रुपीस इंटू 25%, तो ये आया। बोलता है बैलेंस, आगे कहता है एंड देयर ड्यूज ऑन द कंडीशन दैट 25% ऑफ लाइबिलिटी रिमेंस इन पेड फोर्थ वे, कहता है भैया जो बाकी का है उसका 25% अभी पेमेंट कर दो मुझे, तो बाकी क्या था 72,000, तो 72,000 रुपए का आप 25% निकाल लीजिए सर, 25% ऐसे, तो कितना आ गया, तो 18,000 पेमेंट करिए। बैलेंस बोलता है हम फ्यूचर में पेड करेंगे अगले साल, तो बैलेंस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एज इट इज चला जाएगा अगर बोला जाए, और मैं कहूंगा इनके लाइव बैलेंस शीट तो बना लेना इस वाले सवाल का, सवाल में नहीं बोला हुआ लेकिन बना लेना बढ़िया रहेगा। ये खत्म क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट को बोलता है कि टेकन ओवर कर गया फुल सेटिस्फेक्शन देयर क्लेम, तो सर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट था कितने का, 48 का, और लाइबिलिटी 33 का, तो बीच में फायदा हो जाएगा।
एंट्री बताया था हमने कि आपका क्या हो जाएगा, बीओडी टू इन्वेस्टमेंट और बीच का डिफरेंस फायदा, जो भी चला जाएगा फायदा, नुकसान हो जाएगा इसमें। लायबिलिटी कम जा रहा है, एसेट ज़्यादा हो रहा है, तो नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान ऊपर चला जाएगा डेबिट में। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव टू एग्री सेटिस्फेक्शन देयर राइट ऑफ टू ईयर डिविडेंड। यहाँ पे कहता है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर नॉट पेड। अब इसी राइट के लिए तो एग्री हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, चल ठीक है भाई तूने मुझे पुराने डिविडेंड नहीं दिया, यानी इस डिविडेंड को वो देने से मना कर रहा है। एंड के बाद सेंटेंस चेंज हो गया, बोलता है ठीक है भाई दूसरी कंडीशन सुन ले, मुझे 24 इक्विटी शेयर दे दे, यानी 24 इक्विटी शेयर दे दे मुझे मेरे एक शेयर के बदले। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं, 4000, तो 4000 के बदले अगर मुझे इसे 24 देना है तो कितने देने पड़ेंगे, 90। और बोलता है ये पांच वाले हैं तो मैंने हिसाब किताब लगाया तो इसे 480 देने थे, और पहले तो इसका तो चार के बदले अब मैं 480 का इक्विटी दे रहा हूं, तो मेरा नुकसान 80 का हो गया, उसकी एंट्री मैंने कर दिया। क्लियर है, मैंने पांचों के पांचों पॉइंट समझा दिए। ठीक है, अभी रुक जाइए ना, अभी कहां जाना है देखिए, इस सवाल को देखने के बाद कितना मजेदार क्वेश्चन। करे कहता है कंपनी पोजीशन 31 मार्च, भैया इक्विटी डिबेंचर इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी, देयर इज नो लाइबिलिटी एंड रिजर्व, बोलता यही है। एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ द कंसिडरेशन वर्थ 960 ओनली, हेंस द फॉलोइंग वर टेकन अप्रूवल इन द कोर्ट। कहता है एसेट्स कितने का है, 96 का है। एसेट्स कितने का है, 960 का। आगे क्या कहता है, द फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू रिड्यूस 40 और 20 रुपए पेड अप, मतलब प्रेफरेंस शेयर को जो इक्विटी शेयर है उसको 40 रुपए तक रिड्यूस कर दो। पहले कितने का था, मैंने प्रेफरेंस शेयर बोल दिया इक्विटी शेयर, और उसको 20 रुपए पेड अप कर दो, मतलब 40 रुपए तक रिड्यूस करके मान लो उसने दिया कितने हैं, 20 का, मतलब 60 का वैसे फायदा हो गया, समझ रहे हो, 60 का क्या हो गया बेनिफिट, और फिर 20 का फिर बेनिफिट हो गया पेड अप जब हमने किया, तो टोटल 80 का बेनिफिट हो गया यहां पे। कहता है टू क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर रिड्यूस टू 5 लाख। ठीक है सर, डिबेंचर होल्डर पहले हमारा 10 लाख का हुआ करता था, कितने तक कर दें, कोई इसमें दो राय नहीं है। द डिबेंचर होल्डर एग्रीड एक्सेप्ट 2.5 लाख रुपए का शेयर 20 वाला, 40 each 20 रुपए पेड अप। यानी सर डिबेंचर होल्डर जो मेरा 2.5 लाख का था, 5 लाख रुपए का जो उसको मैंने बोला कि अब होगा, तो 5 लाख रुपए आपको डिबेंचर में नहीं रहने देंगे, उसके बदले आपको इक्विटी दे रहे हैं। आप चेक करो इसको, 2.5 लाख रुपए का, सॉरी ये कहता है कि द डिबेंचर होल्डर एग्री एक्सेप्ट 2.5 लाख रुपए का जो डिबेंचर था ना, टोटल कितना था डिबेंचर होल्डर, मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा, अभी मैं बस रफली पढ़ता जा रहा हूँ। पार्ट सेटिस्फेक्शन देयर क्रम रेफर टू द अबव द बैलेंस दे वर अलॉट 8% डिबेंचर, मतलब जो भी उसे 5 लाख देना था उसमें से 2.5 का इक्विटी दे देंगे और बाकी का जो बच गया 2.5 लाख उसका 8% डिबेंचर। अभी मैं जनरल एंट्री करूंगा। एसेट्स बट ब्रॉड डाउन रिवाइज करंट वैल्यू, एसेट्स को करंट वैल्यू पे ले जाया जाए। आगे ऑल शेयर होल्डर इंक्लूडिंग अंडर पॉइंट नंबर 3, यानी इसको जो दिया एग्री टू 20 रुपए, और बाकी के सभी शेयर होल्डर ने मुझे कितने पैसे दे दिए, 20 रुपए और ला के दे दिए घर से। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ मोहन लिमिटेड कंसिडर द फॉलोइंग। आइए दो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन खत्म।
दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन खत्म। मैं एक काम करता हूं, मैंने समझा दिया, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूं ना तो मेरे लिए ज्यादा बेटर है। इसका मतलब छुट्टी नहीं हो गया, मैं कुछ नया क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जो एक पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है वो करें, है ना। ये क्वेश्चन जितना समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया अगली क्लास में मैं फिर कराऊंगा इसको। मैं इससे बेहतर समझता हूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, बस आठ ही क्वेश्चन है, 12 है। चलिए फिर लास्ट स्लाइड खत्म किया जाए। चलो कोई नहीं, और क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन की कमी थोड़ी है अभी। इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो कि मुझे कराने हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स के हैं, और कुछ थोड़े टफ टफ एडजस्टमेंट, सिंपल सिंपल वाले तो कर रहे हैं हम। ये इक्विटी है और ये एसेट्स है। इक्विटी और एसेट्स कहता है प्रेफरेंस शेयर रिटर्न डाउन 75 इक्विटी शेयर टू 20। समझ में आ गया, ये प्रेफरेंस शेयर को कितना कर दो 75, था कितने का 100 का, कितने का फायदा हो गया 25। इक्विटी को कर दो 2 का, था कितने का फायदा 2 का, 8 का फायदा। ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड विच आर एरियर फॉर 4 ईयर, ये बड़ा परेशान करता है, लेना देना होता नहीं है। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 2 साल का 4 साल का एरियर था। अब यहां मजे की बात, 3/4 वेव ऑफ एंड इक्विटी शेयर 2 रुपीज ईच अलॉटेड द रिमेनिंग। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देखा जाए, भाई आ जा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तेरा डिविडेंड कितना बनता है? उसने बोला मेरा 6% है, और क्योंकि यहाँ पे शब्द देखो क्यूमुलेटिव है, मतलब उसे देना पड़ता है। तो भैया 4 लाख पे 4 लाख रुपए का था और उसके ऊपर 6% का लगाया जाए तो तुझे 24,000 मिलना चाहिए, लेकिन ये 24,000 एक साल का मिलना चाहिए, है ना। तो तुझे 4 साल तक मैंने नहीं दिया, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो 96,000 तुझे नहीं दिए। अब तू कह रहा है ठीक है नहीं दिए कोई बात नहीं, इसमें से मैंने वेव ऑफ कर दिया कितना 3/4, तो 96,000 का 3/4, इसका मतलब 72,000, और बाकी बच गए 24,000। कहता है जो बाकी जो बच गए ना, 1/4 जो बाकी बच गए, उसको 2 रुपए ईच टू बी अलॉटेड। कहता है एंड इक्विटी शेयर 2 रुपीज ईच अलॉटेड। तो भैया 24,000 रुपए को आप अगर इक्विटी शेयर दोगे 2 रुपए वाले, तो कितने दे दोगे? 12,000 इक्विटी शेयर दे दो इसे 2 वाले। ये हमारे देना नहीं था, मेरे मन में नहीं था देना। अगर मन में होता देना तो मैं यहां दिखाता, मैंने दिखा नहीं रखा था। लेकिन अब मुझे इसके डिविडेंड के बदले कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, ये पेमेंट करूंगा मैं, मना कर दिया तो इसको पेमेंट नहीं कर रहा। तो भाई पहले भी नहीं कर रहा था, अब भी नहीं कर रहा। पहले कुछ नहीं करना था, लेकिन अब भी कितना पेमेंट करना पड़ रहा है हमें, समझना। पहले कितना पेमेंट करना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड को? नहीं करना था, अगर करना होता तो लाइबिलिटी में नहीं करना था। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने ना ना करते हुए भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन से उसको डिविडेंड का पैसा दे रहा हूं मैं इक्विटी शेयर के फॉर्म में, लेकिन मैं सारा नहीं दे रहा, सिर्फ कितना दे रहा हूं मैं 24,000 का। 24,000 कैसे आया? उसने बोला 3/4 छोड़ दूंगा, बाकी का मैं ले लूंगा पैसा। तो बाकी का बैलेंस क्या आएगा? इसमें से माइनस करो, 24 ही बचेगा। यानी 24,000 का ये टोटल क्या मान ले, फायदा या नुकसान? ये पूरा का पूरा 24,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। यानी एंट्री क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझे? देख लो, बताइए समझ में आ गया? लॉस लॉस बच्चों ने बता दिया, लॉस सर अब रहने देना है, ठीक है। बस लास्ट ही सवाल है, इसको करके खत्म करते हैं ना।
देखें आगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टू बी पेड इन कैश, बोलता है जितना भी डिबेंचर होल्डर का बकाया है ना उसको कैश में पे करके खत्म करो यार। तो एक्रूड एक्रूड इंटरेस्ट है क्या, इसको पेड कर दो 22,500 को। लाइबिलिटी कितनी है मेरी, पेमेंट कितना करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस, रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं है, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बात खत्म। समझ में आई बात आपको। इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड रुपीज 1,00,000, भाई इन्वेस्टमेंट था कितने का और बेच दिया कितने का, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000, बैंक डेबिट 1,00,000 टू इन्वेस्टमेंट टू। समझ में आ रहा है, यानी सारा जो है ना कॉर्पोरेट अकाउंट जनरल एंट्री का ही खेल है शुरू से लास्ट तक। और जनरल एंट्री में क्या लॉजिकल चीजें हैं सर, द डिबेंचर आर कन्वर्ट इनटू 6% डिबेंचर 10% डिबेंचर, बोला डिबेंचर होल्डर जो 6% वाला नजर आ रहा है उसको 10% में कन्वर्ट कर दीजिए, दे एग्री रिड्यूस देयर क्लेम 75,000, वो बोलता है मैं 75,000 छोड़ने को तैयार हूं, करा है अभी ऐसा पॉइंट पहले, 75,000 का फायदा, बाकी के डिबेंचर को न्यू डिबेंचर आप 6 की जगह 10 कर देना है। पेटेंट गुडविल डेफर्ड एडवर्टीजमेंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, यानी इसको इसको और इसको जीरो करो। हाँ गुडविल भी है, कहाँ आप देखोगे ना सभी क्वेश्चन में गुडविल को जीरो कर ही रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया था पहले कि गुडविल ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय 48,500, स्टॉक 48,500 रुपए से कम कर दो पूरा नुकसान। अमाउंट 55,000 रुपए टू प्रोवाइड बेड डेट, ये भी नुकसान। डायरेक्टर आ गया यहां तो, डायरेक्टर एक्सेप्ट सेटलमेंट ऑफ देयर लोन 90%, भाई साहब डायरेक्टर कितना लोन है डायरेक्टर का, 1,00,000 रुपए का, कहता है डायरेक्टर एक्सेप्ट सेटलमेंट देयर लोन टू 90% बाय अलॉटमेंट इक्विटी शेयर 2 रुपए 1 एंड बैलेंस 10% वेव्ड, कहता है भैया तेरे 10% तू भूल जा, यानी 10,000 तो नहीं दूंगा फायदा, बाकी 90,000 जो मैं तेरे पेमेंट कर देता हूं लेकिन पैसा नहीं, 2 रुपए का 1, तो यानी कितने 45, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड रिकंस्ट्रक्शन, आप मुझे सिंपल सा एक सवाल पूछ रहा हूं लास्ट, अगर जवाब दोगे तभी छुट्टी हो पाएगी आपकी। नए बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कितने होंगे, नंबर और अमाउंट भी, नए वाले बैलेंस शीट में कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नए वाले होंगे आपके सामने है, दस क्यों करना है, 10% 1,00,000 का 10% निकालिए 10 ही होगा, टेन ईयर में 8 ही सवाल है, चलो और ढूंढ के लाएंगे, 5 सवाल और कराने हैं जो बिल्कुल मुश्किल मुश्किल होगा, उसमें एडजस्टमेंट बड़े मजा मजेदार एडजस्टमेंट डाल देंगे। नंबर, एक बच्चे का जवाब आया 1,32,000 लिख दिया जाए, और भी बच्चे जवाब दें सर, लास्ट एंट्री बता दीजिए एरिस, लास्ट एंट्री में कहता है कि डायरेक्टर जो है ना वो कहता है कि मैं 90% लोन के बदले इक्विटी ले लेता हूं बाकी छोड़ दूंगा, तो 1,00,000 का टोटल था, 90% यानी 90,000 के बदले इक्विटी ले लिया, बाकी का 10% बोलता है छोड़ दूंगा, तो 10,000 रुपए वेव ऑफ हो गया। रुक जाइए पहले मैं तो चेक करूं, 1,32 बताया, एक बच्चा बोल रहा है 45,000, मैंने इसका नहीं पूछा भाई सबका पूछा, मैंने टोटल बताओ यहां इक्विटी नई बैलेंस शीट में कितना आएगा, 45,000
स्वजल का 1/32, शुभम का 1/32, शुभम का अमाउंट 264, निधि का 1/32। और भी बच्चे जवाब दे फटाफट। हाँ जी ऑफलाइन वाले बताएं कितना 1/32। ये सवाल घर से हैं, सारे होमवर्क में हैं। अंजलि का 1/20, सिक्ता का 1/32, राबिया का 1/32, बता दें आपको। गुनगुन 1/32, 1/32 है कितना है एक बार चेक करते हैं। भाई साहब मेरे पास पहले से 75,000 इक्विटी थे, पहले से 75,000 इक्विटी थे, जमा कर दिया मैंने, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया 12,000 इक्विटी, और मैंने डायरेक्टर को बुलाया और उसको दे दिया 45,000 इक्विटी, तो दैट इज 1,32,000। 2 रुपए के हिसाब से अमाउंट 2,00,000, यानी जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे इक्विटी शेयर के अंदर आ जाएगा 264,000। और डायरेक्टर में कितना आएगा, फिर डायरेक्टर में कितना आएगा, सर डायरेक्टर में आएगा 0, क्योंकि सेटलमेंट। क्रेडिटर में कितना आएगा, भाई क्रेडिटर ने कहा बोला था ना कुछ, यहां कुछ बोला ही नहीं है क्रेडिटर को, तो जो है वही आएगा 3,00,000। और प्रेफरेंस शेयर में कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर में कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर नए वाला प्रेफरेंस शेयर, सोचो सोचो, प्रेफरेंस शेयर लाइव वाले बच्चे बता दो प्रेफरेंस शेयर में कितने आएंगे, बता दो फटाफट। ऋतिक 0, अब पता नहीं 0 किसका आंसर है, ये शुभम 0, प्रेफरेंस शेयर में आप बताओ, कुछ भी बता दो, नंबर बता दो, अमाउंट बता दो, गुनगुन 3,00,000 कितने आएंगे बताओ, लाइव वाले बच्चों का काफी आंसर सही भी है और काफी आंसर गलत भी है, सेम हाल ऑफलाइन वाले बच्चों का भी है। तो आप देखिए जो ये मैंने इतने सारे कैलकुलेशन जो किया है वो किया है सिर्फ उसके डिविडेंड के लिए, ना कि प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो प्रेफरेंस शेयर पूरे 4,000 होंगे, 75 से मल्टीप्लाई करके 3,00,000 रुपए का प्रेफरेंस शेयर होगा, समझे, 3,00,000 का होगा। आप इसी में खो गए भैया, वो तो उसका डिविडेंड था,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, बस उसके डिविडेंड को मैंने तोड़ मड़ोड़ किया था इस सवाल में। प्रेफरेंस शेयर तो बोल रहा था बस मेरे 75 कर दे, बात खत्म, समझे? तो प्रेफरेंस शेयर पूरा आएगा। कुछ बच्चे जो जीरो दे रहे थे उनका गलत जवाब था। एक बच्चा कह रहा था सर मेरा एक पॉइंट कह रहा था, पता नहीं कौन सा पॉइंट कह रहा था, वो कौन सा पॉइंट कह रहा था? हाँ पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट। हाँ बताओ। हाँ नहीं डेटर नहीं, रिकंस्ट्रक्शन में चला जाता है। सेकंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री गिव अप देयर राइट 3 ईयर। इसका भाई ये पॉइंट क्या है? यहां कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है मैं डिविडेंड नहीं लूंगा, छोड़ दो, तो कोई एंट्री नहीं होगी इसकी। यही पूछा था 5th का सेकंड पॉइंट, कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए सर,